ओला उबर हाय हाय ओला उबर हाय हाय ओला उबर हाय हाय ओला उबर हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो ड्राइवर पे अत्याचार बंद करो ड्राइवर पे अत्याचार बंद करो ओला उबर हाय हाय ओला उबर हाय हाय ओला उबर हाय हाय ओला उबर हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो ओला उबर हाय हाय ओला उबर हाय हाय ओला उबर हाय हाय ओला उबर हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे। नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगातार 3 दिन से पूरे भारत में ओला और उबेर के जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि उन्हें जो 6 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया जा रहा है वो उन्हें और बढ़ा कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जो घर का खर्च है उतने में उनका पूरा नहीं होता है। मुंबई में भी आज ओला और उबेर के जो ड्राइवर हैं वो स्ट्राइक पर हैं, वो यहाँ पर जो है भारी तादाद में स्ट्राइक पर हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांग है। मामला ये है, हमारे जितने भी भाई है ड्राइवर भाई, इनको इनका हक नहीं मिल रहा है। जो कंपनी ने वादे करी थी कि हम आपको पर डे 3000 का बिजनेस देंगे, कुछ बिजनेस नहीं हो रहा है। डेली पर डे 1200-1300 का बिजनेस हो रहा है, वो भी कभी हो रहा है 14 से 15 घंटे में। वो 14 से 15 घंटे में 1200-1300 बिजनेस होने के बाद इनको हाथ में कुछ नहीं बच रहा है, घर में खाली हाथ जा रहे हैं। कंपनी से बहुत परेशान है और कंपनी इनका किलोमीटर और घटा दी। कंपनी ने 6 रुपया किलोमीटर बोलती है मगर इनको 4 रुपया किलोमीटर मिलता है, मगर गैस पेट्रोल डालने के बाद इनके हाथ में कुछ नहीं बचता, इनकी मेहनत पूरी खाली जाती है। और हमारे कितने ड्राइवर भाई है जो मर रहे बेचारे, आत्महत्या कर रहे, मगर कंपनी इनकी कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। डीजल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, हमारा रेट क्यों कम हो रहा है? हमारा भी तो रेट बढ़ना चाहिए। आज मुंबई में, पूरे मुंबई में ऑटो रिक्शा का जो रेट है 12 रुपया 15 रुपया जो ऑटो रिक्शा का रेट है उससे भी कम में हमको चलाया जा रहा है, तो इतने में हमको कहाँ परोड़ेगा? आप लोग बताइए, कोई हमारे सपोर्ट में नहीं है। ड्राइवर लोग बहुत मर रहे हैं, थोड़ा ड्राइवर लोग का भी सपोर्ट करो। कंपनी हमारे कुछ भी सपोर्ट में नहीं है और कंपनी हमारी कुछ भी मांगे पूरी नहीं करती है। आप कितने रुपए तक का जो है चाह रहे हैं कि कितना रुपया बढ़ना चाहिए इसमें? हमारी राष्ट्रीय मिल मजदूर जो हमारी यूनियन है उन्होंने कंपनी को लेटर दिया है। हैचबैक गाड़ी का 16 रुपया, सेडान गाड़ी का 18 रुपया और जो एसयूवी गाड़ी है उसका 22 रुपया, ये किलोमीटर हमको मिलना चाहिए। ये किलोमीटर हमको मिलेगा तभी हमको कुछ घर में बच पाएगा, तभी हमारे बाल बच्चे के साथ हम खुश रह सकते हैं। नहीं तो हमको कुछ बचेगा नहीं, तो मतलब नहीं है हमारा मेहनत करके। 15 से 20 घंटा हमारी खाली मेहनत होती है, कोई ड्राइवर को पैसा नहीं बचता, इसीलिए सब ने स्ट्राइक किया। हमारे दिल से हमारी कंपनी बस हमारी मांगे सुने, हमारे किलोमीटर बढ़ाए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। तकलीफ ये है कि 6 रुपये किलोमीटर, अब उस 6 रुपये किलोमीटर में खाली 6 रुपये किलोमीटर नहीं होता है, उसके अलावा हमारी पासिंग का पैसा, मेंटेनेंस का पैसा, सीएनजी का पैसा, और फिर हम जो निकलते हैं कुछ खर्चे पानी हमारे होते हैं उसके बाद हमको घर में लाना पड़ता है, तो ऐसा। और 25% इनका कमीशन होता है, 5% हमारे से सर्विस टैक्स ऐसा करके लेता है। अभी हमारा जो बिल हुआ, यहाँ से थाना अगर हम गए, जैसा मुमरा से थाना विवियाना मॉल, हमारा मीटर कितना बनता है? 130, वो एस्टीमेट बताते हैं उनको। 130 रुपये में से 25% ओला उबेर काटते हैं और 5% जो है हमारा सर्विस टैक्स काटता है, और उसके ऊपर ये उसके ऊपर का जो भी अमाउंट रहता है वो हमारा। अब इसमें हमारा गैस गया, हमारी गाड़ी गई, हमारी मेहनत गई, हर चीज़ गया, तो ऐसा हो रहा है कि हम खाली काम कर रहे हैं, बाकी आ रहा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हमारी मांग ये है, हमने अभी हमारी यूनियन हमारे लिए लड़ी है, यूनियन का कार्ड है ये हमारा, ये हमारी यूनियन लड़ी है, राष्ट्रीय मिल मजदूर, हम इनके हिसाब से ही चल रहे हैं, ये हमारे सपोर्ट में है और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। तो हमारी बस यही है, कोई हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, जो हमारे हक का है वही ओला उबेर हमको दे, और कुछ हमारी कुछ ज़्यादा कुछ ये नहीं है, जिससे खाली हमारा घर चले और हम भी हंसी खुशी काम कर सके, बस यही हमारी मांग है। मैं भी तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई जो ओला गाड़ी चला रहा है या उबेर चला रहा है वो हमारा साथ दे। हम यहाँ पे दिन रात करके स्ट्राइक पे खड़े हुए, धूप देख रहे नहीं, कुछ देख रहे नहीं, खाना पीना हराम है। आज 3 दिन से हम लगे हुए स्ट्राइक पे, आप भी देखना चाहेंगे कि कोई चंद लोग गाड़ी चला रहे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब एक इकट्ठा होके गाड़ी बंद करें, बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, हमारा साथ दे इस मामले में, सब एक हो जाए। मैंने 3 गाड़ी लिया था 3 साल पहले, फिर बाद में 2 साल पहले मैंने 1 गाड़ी लिया, मेरे पास में टोटल 3 गाड़ी था, दोनों गाड़ी मेरी बैंक ने खींच ली है। अब हाल में ये भी गाड़ी मेरा 3 किस्त चढ़ गया है,
अब इस पोजीशन पे आ गए हम कि पहले हम लोग महीने में अच्छा खासा अर्निंग करते थे, अच्छा खासा अर्निंग करते थे जितना भरा बताया था। आज हमारे 14-15 घंटा करने के बाद में भी हमारा बिल बन रहा है 1300-1400 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं बन रहा। उसमें भी कमीशन देना है और उसमें भी लेस बुकिंग, उनकी मन मर्जी है 20% बुकिंग लेस में आई या 15% आई, वो उनकी मन मर्जी है। कस्टमर केयर में कॉल करो तो बोले वो सब में से चुन के दिया, सब में से चुन के दिया बुकिंग, तो उसमें से जब चुन के दिया हमें, तो तुमने तो उनमें उनके से भी कमीशन कटा और हमसे भी कमीशन कटा, उनको भी कमीशन कटेगा हमसे भी कमीशन कटेगा, मतलब हमारा फायदा क्या इसमें। और इससे भी ज़्यादा बढ़ के बोलूँगा तो लीजिंग की जो गाड़ी है, वो पहले तो लीजिंग की गाड़ी नहीं लाए उन्होंने, पहले बोला भी नहीं है, हमसे कमा के लीजिंग की गाड़ी लिए, उनसे रोज का 1100 रुपया भराते, उनको बिजनेस देते 2500 रुपये का, और उसमें तो 20% कमीशन बच रहा उनके पास भी क्या है, 900 रुपया 800 रुपया CNG। हमें हमारा हक चाहिए, जितना आपने बोला था कि महीने का बिजनेस होगा 1,00,000 रुपया, वो हमारा हक चाहिए, तभी तक हम पूरे स्ट्राइक पे रहेंगे। 2 साल से जुड़े कंपनी से 2 साल से जुड़ के भी अभी 2 महीने जो लास्ट के चल रहे इसमें ऐसा हो गया कि गाड़ी अभी बैंक ले जाने की नौबत आ गई है, और जब से गैस के भाव बढ़े तब से तो घर के भी बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा हूँ, ऐसी कमाई की तकलीफें हो रही है कि बहुत ही मुश्किल हो गया है। गाड़ी का ना घर में खाने का पैसा हो रहा है, खाली मेहनत कर रहे हैं, इनका कमीशन जा रहा है, EMI का पैसा मुश्किल से निकल रहा है बस। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जो यहाँ पर ड्राइवर हैं उनको जो है वो बता रहे हैं कि जो ये गाड़ियाँ अभी 3 कैटेगरी की है, एक्सबैक सीडान XV, इनका जो मांग है ये 16 रुपया 20 रुपया और 22 रुपया मांग है। इनका कहना है कि तो 16, 18, 22 होनी चाहिए, क्योंकि इनके घर का जो है खर्च पूरा नहीं हो रहा है। कई ड्राइवर हमें यहाँ पर ऐसे मिले जिनकी गाड़ियाँ बैंक खींच कर लेकर चली गई है, वो और भी अपनी तकलीफें बता रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो कंपनियाँ हैं ये मनमानी कर रही हैं। इनका कहना है कि हम कंपनी में अगर अपनी शिकायत करते हो तो कंपनी की तरफ से इनकी कोई भी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, जिसकी वजह से ओला और उबेर के ड्राइवर हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।